मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि बेहद ही अच्छे होंगे। आज के इस नए सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सो फ्रेंड, अब मैं जग आई हूँ और टाइम को समथिंग हो रही है, 5 बज चुके हैं, सुबह हो गई है थोड़ी थोड़ी सी। अब भगवान कर रहे हैं और कौवा चिड़ी पंछी बहुत ही ज़्यादा चहचहा रही हैं और हमारे घरों में ना सब लोग अपने अपने कामों में लग पड़े हैं, सब लोग जग आए हैं। और हमारी मम्मी, दिखाते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। सुबह सुबह उठो ना तो पूरा बाल एकदम उलझे उलझे टाइप से रहती है, और ना सुबह सुबह एकदम जगूं तो इतना कमर में दर्द है, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं मम्मी लोग कैसे जग के ना सुबह सुबह ही काम में लग जाती हैं। मम्मी, पापा, दादी लोग, सब लोग काम में जुट गए हैं। आप लोगों को वीडियो में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और चिड़ी पंखी देखिए कितना ज़्यादा चहचहा रही है। हमारे घर के जस्ट बगल में एक बबूल का पेड़ है, उसी में सब चिड़ी पंछी, वो भी सो सो के उन लोगों को भी सवेरा हुआ है, तो जगी हैं। आप सब लोग इंजॉय कर रही हैं सुबह सुबह का ना एकदम सुकून से, ठंड ठंड हवा ले रही हैं। मम्मी और सुबह जगह आई थी, पूरा बर्तन साफ कर डाली हैं मम्मी जी। और इधर ना मम्मी जी मक्खन भी, दही जो होता है तो इसमें रख के इसमें पूरा उलट दी हैं, इसको छाछ बनाने के लिए, मट्ठा जो होता है बनाने के लिए। जब थोड़ी सी ना जब ठंड ठंड मौसम रहता है, बड़ा सुबह सुबह करे ना तो बहुत ही अच्छा छाछ बनता है, तो इसी को मम्मी वो कर दी हैं। मम्मी लग रहा है कि 4:30 बजे ही जगाई थी और पूरा बर्तन साफ कर डाली हैं। और अभी हमको ना बहुत सारा काम कंप्लीट करनी है। और अभी हमारा भाई सोया हुआ है, उठो जी सुबह हो गई, उठो। और हमें तो बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, पूरे किचन में ना इतने सारे सामान फैले हुए हैं, पूरा हटा के पुताई करेंगे किचन की। अब मैं ना अंदर से बाहर आई, तो जब बहुत सुबह 5 बजे जगो ना तो बहुत ही अंधेरा अंधेरा सा रहता है। अब बस हो ही रहा है सुबह, तो अभी तो है ये ही है। तो हमारे पापा लोग 4 बजे भोर उठ करके भैंस लोगों को दे दिए थे, खाना तो खा चुकी हैं। अब बस अंदर भैंस लोगों को बांध देंगे गौशाला में, इसके बाद ना 10-11 बजे निकाल कर फिर खाना देंगे। गोलू मोलू का दूध भी, वो तो दूध देती है, ए ना इसके पेट में बच्चा है, बस बच्चा देने ही वाली है। 10-1 हफ्ते तक में शायद बोल रहे हैं बब्बा लोग, पता नहीं भगवान जाने, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। तो आप लोगों को दिखाएंगे नन्हे मुन्ने से आएंगे तो। इधर तो जब आते हैं कोई नए मेहमान आएगा ना हमारे घरों में, तो आप लोगों के साथ बिल्कुल मैं शेयर करूंगी। तो दोनों गोलू को भी और दोनों भैंस को अंदर गौशाला में बांध दिए हैं। और इधर मम्मी ना बैल, जहाँ बैल हैं तो उधर मम्मी झाड़ू लगा रही है, गोबर तो उठा उठा के फेंक दिए हैं पापा लोग। मैं बाहर का काम ना थोड़ा बहुत करती हूँ, मम्मी पापा ये लोग सब करते रहते हैं, हमें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। जब मम्मी नहीं रहती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है, कहीं मम्मी चली जाती है तो हमको बहुत डर लगता है कि मैं कैसे कर पाऊँगी बाहर का काम। और ये बाहर पूरे चौक में ना लगा देते हैं झाड़ू सुबह सुबह, बहुत अगर ना अपने खेतों साइड और बाहर साइड आए ना, बहुत ही अच्छी खूब ठंड ठंड हवा चलती है, तो एकदम मन एकदम सुकून सा भर जाता है। जब सुबह ना चौक में झाड़ू लग जाता है ना, तो पूरा दिन के लिए एकदम फुर्सत मिल जाती है, एकदम बहुत अच्छा सफा सफा दिखता है। जहाँ सुबह होती है तो हमारे आंगन में ना झाड़ू लग ही जाता है, तो सुबह के कामों में ना सब लोग लग जाते हैं, तो बहुत झटपट से सुबह का काम हो जाता है। ये बंदा ना बहुत देर से जगता है सो के, इसको आज हम एक लाठी मारेंगे। सो के जगह जिजली जगह गिजली, डेली बोलते हैं कि 4 बजे उठाया कर, एक्सरसाइज किया कर, तो कुछ इस बातें नहीं मानता है। रुको, हम इसको फोटो कंप्लेन भेज देंगे। आंगन पे अब बारिश हो गई थी ना, तो उनसे नहीं बनता है बहाड़ी जिसको बोलते हैं, तो मैं इसको लगा दी हूँ, बहुत ही जल्दी मिल जाता है। बरकेती गाँव में हम लोग बरकेती बोलते हैं, बहुत जल्द हो भी जाता है और मज़ा भी आता है झाड़ू लगाने में। आंगन भी बहुत
बहुत अच्छे से झाड़ू लगा के मैं मक्खन को मथ रही हूँ, तो मत देंगे ना तो मम्मी घी निकाल लेगी, तो इधर मैं दूसरा काम कर लूँगी। मम्मी नहीं मत पाती, मम्मी का पेट दर्द करने लगता है, तो झटपट से पूरा काम कम्प्लीट। मॉर्निंग का सारा काम कम्प्लीट कर चुकी हूँ और ब्रश भी करके आ गई हूँ। हाँ, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं, फिर इसके बाद फिर से अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो खा लेते हैं चना, हमारा तो सुबह का यही रहता है चना। इसमें नींबू वगैरह प्याज वगैरह मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद खाते हैं। और ना मम्मी दादी बब्बा लोग चले गए हैं उड़द की तोड़ाई करने, इतने टाइम ना उड़द बहुत तेज़ी से पका हुआ है। और पापा और मेरा भाई चले गए हैं वहाँ, घर में छपाई लगी हुई है मुढ़रिया वाले घर में, घर से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। हाँ, तो आप लोगों को किसी दिन मैं जाके ज़रूर दिखाऊंगी सपनों का घर कैसे बन रहा है इतनी टाइम। हाँ, तो मैं अब मैं बस घर में बची हूँ ना, तो घर का हमें को ही सारा काम कंप्लीट करनी पड़ेगी, खाना बनाना है, जो भी काम होगा तो हमें को ही करना पड़ेगा। मम्मी लोग 10 बजे तक आएंगे और टाइम को हो गए हैं 7:30 हो गए हैं, तो मैं झटपट से अपना काम कंप्लीट करती हूँ और खा पी लेते हैं, तो झटपट सी करेंगे काम। मैं ना नहा के आ गई हूँ, अब खाना बनाएंगे और मम्मी लोग भी आ गई हैं, धूप निकली हुई थी ना तो वहाँ धूप लग रहा था, तो उड़द काट के ला दी हूँ घर पे, तो घर पे तोड़ेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या कैसे तोड़ रही हैं, उड़द की तोड़ाई मुड़ाई कैसी हो रही है हमारे यहाँ। बोझा बांध बांध करके तो उड़द की तोड़ाई कर रहे हैं काकी दादी और हमारी दादी, खेतों से आ गई है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। हाँ, तो आ गए हैं यहाँ पास, बैठे हैं पक्का के छांव में झूल के नीचे, तो हमारी काकी दादी भी तोड़ रही हैं, दोनों लोग तोड़ रहे हैं घरे पे। इस साल ना बहुत ज़्यादा उड़द नहीं फड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही थी ना, हो गया फड़ा है, काम चलाओ बहुत तो थोड़ा बहुत हो जाएगा ना, तो घर में बहुत ही अच्छा रहता है, अपने घरों में रहता है, जब मन पड़े तो कुछ बना के खा लो। तो ऐसे ही पूरा उड़द को तोड़ देंगे, इतनी टाइम उड़द का ही, उड़द और मूंग का सीजन बहुत तेज़ी से चल रहा है हमारे यहाँ, सभी लोग अपने अपने खेतों में बैठ कर तोड़ रहे हैं। जा रही हूँ खाना बनाने, आप पानी भर चुके हैं, पानी आ गया था टंकी में, तो भाई पीने के लिए भी भर लिए, खाना बनाने के लिए पूरा दिन के लिए पानी भर लिए हैं, तो हो जाएगा 3 डब्बा भर लिए हैं 15 लीटर का डब्बा में ना, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और भाई कहीं जाने वाला है तो गाड़ी निकाला है। जहाँ मैं किचन पे आई ना खाना बनाने, तो हमारे चाचा के लड़के आ गए अपने बैग लेके कि हमें पढ़ाओ रीडिंग कराओ, तो मैं बस इसको खाना बनाते बनाते ही इस में रीडिंग कराने लगी, तो लोग कर रहे हैं। ईद से बड़ी मिठाई, ईद से बड़ी मिठाई, उन लोग को मार भगाओ, उन लोग को मार भगाओ, कूटो से कूटो धान, कूटो से कूटो धान, और भारत ना। अब पूरा खाना एकदम बना के कम्प्लीट कर चुके हैं, दाल चावल सब्जियाँ रोटी पूरा खाना बन गया है, तो बस अभी ना बहुत ज़्यादा थक गई थी तो आराम करने लगी, बैठी हूँ, अब भूख लगी, खा लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं वीडियो एडिट करनी है, आज वीडियो एडिट करनी है, आज ही हमें वीडियो भी डालना है, तो खा लेते हैं खाना, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हमारे यहाँ ना क्या हो गया, पूरे चेहरे पे ना इतने बड़े बड़े पिंपल हैं, क्या लगाऊँ बताइए कमेंट में, कमेंट लिख कर जरूर क्या लगाऊँ तो आराम हो जाए। बस मैं अब खाना खा चुकी हूँ, अब आ गई हूँ अपने बेड में, तो बस थोड़ी सी आराम कर लेते हैं, इसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, बस 5 मिनट रेस्ट करेंगे हुए, बट नहीं अभी तो काफ़ी टाइम हो रही हैं, 2 बज चुके हैं, ज़्यादा का कुछ टाइम हो गया है, कुछ और दूसरा काम करने लगी मैं, तो ज़्यादा लेट हो गया था, तो बस मैं अब थोड़ी सी आराम करते हैं, आराम करने के बाद थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। मैं तो यही कुछ बातों के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करने जा रही हूँ, होप करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो 1 लाइक बनता है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।